बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं।